प्रदेश के हरदोई जिले में किसान नेता व पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर बिलग्राम चुंगी स्थित संभागीय कृषि शोध केंद्र पर किसान दिवस व कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि बिलग्राम मल्लावा विधायक आशीष कुमार सिंह आशु व जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने दीप जलाकर कृषक गोष्ठी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा किसानों की जानकारियों के लिए लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण भी किया गया। कृषक गोष्ठी में वैज्ञानिकों ने किसानों को उनकी आय दोगुनी करने के लिए तमाम प्रकार के टिप्स देते हुए जैविक खादों का अधिक से अधिक उपयोग करने पर जोर दिया। इसके अलावा इस मौके पर किसानों का पंजीकरण करते हुए उन्हें साहित्य वितरण किया गया। रवि अभियान के संदर्भ में योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। सर्वोत्कृष्ट उत्पादकता वाले किसानों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अचानक उस समय अफरा तफरी मच गई जब किसान यूनियन के नेताओं को बैठने की जगह नहीं मिली तो वह कार्यक्रम स्थल पर मंच के सामने जमीन में बैठ गए। इस मौके पर कार्यक्रम आयोजक डीडी कौशिक व आशुतोष मिश्र ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। सर, आज के इस दिवस पर क्या कार्यक्रम हुए हैं और किस तरीके से किसानों को सम्मानित किया गया है? आज माननीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस हम लोग किसान सम्मान दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज डिस्ट्रिक्ट के हमारे जितने भी प्रगतिशील कृषक हैं उनको हमने सम्मानित किया है। लगभग ऐसे 104 कृषक हैं जिनको हमने सम्मानित किया है और माननीय विधायक जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं, उनका उत्साहवर्धन किया है। कई हमारे कृषि वैज्ञानिक भी यहाँ पे आए हैं जिन्होंने जितने यहाँ पे हमारे उपस्थित कृषक हैं उनको सरकार की स्कीमों और जो किस प्रकार से आप खेती करें उसके बारे में बताया है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे लोगों ने हिस्सा भी लिया है और यहाँ पे हमने अलग विभिन्न स्टॉल भी लगाए हैं जिसके माध्यम से लोग पता कर सकते हैं कि खेती में कौन से बीज इस्तेमाल करने चाहिए और कौन सी खाद हमें डालनी चाहिए। और हम लोगों ने जो विभिन्न संगठनों द्वारा ये मांग करी जा रही थी कि जिले में एक ऐसा दिवस रखा जाए जो लोकल समस्याओं के निस्तारण के लिए जो कृषकों की होती है, तो उसके लिए भी आज मैंने उन लोगों को सभी को आश्वस्त कर दिया है कि उनकी जो ये मांग है किसी एक दिवस पे हम सभी प्रशासनिक अधिकारीगण कृषकों की समस्याएं सुने तो वो हम जनवरी से व्यवस्था शुरू करें। आज चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है जिसको हम लोग किसान सम्मान दिवस के रूप में मना रहे हैं। सरकार में क्या कार्यक्रम हुआ है, क्या वितरित किया गया है किसानों को, किस तरीके से सम्मान दिया गया? अच्छे किसानों को चयनित करके उनको पुरस्कृत किया गया है ताकि अच्छा और लोग किसान अच्छा करने का प्रयास करें, अच्छी खेती करें। थोड़ा सा इससे हट देखिए, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी 25 दिसंबर को देश को संबोधित करने वाले हैं और खुद उनका जो संबोधन होगा तो देश के लोग ये समझ जाएंगे कि उसको किस तरह से किसानों को गुमराह किया जा रहा है। ये प्रायोजित साजिश है और जिसके लिए धीरे धीरे किसान सब अब समझ में आ गया है किसानों को, वो आंदोलन ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि वो प्रायोजित है विपक्ष के द्वारा, इसलिए उसमें कोई दम नहीं है। ये किस तरीके की साजिश लोग कर रहे हैं, कहाँ से साजिश हो रही है कहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी 25 दिसंबर को इसके बारे में पूरे देश को संबोधित करेंगे। इस पर इससे ज़्यादा और कुछ कहने की हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है।